ब्लॉक सैया के गांव ढूंढीपुरा खेरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ढूंढीपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज के सामने निर्माणाधीन सड़क की ऊंचाई अत्यधिक होने के चलते स्कूल प्रबंधक के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रधानाध्यापक की माने तो कॉलेज के सामने सड़क की ऊंचाई ज्यादा है, इस वजह से विद्यालय में जलभराव की समस्या खड़ी हो सकती है। प्रधानाध्यापक ने शासन प्रशासन से पत्र लिखकर सड़क के किनारे नाली बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन काफी पुराना हो चुका है, सीलन की वजह से कई बार बड़ा हादसा भी हो सकता है। कॉलेज में जलभराव की समस्या का डर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी परेशान कर रहा है। विद्यालय से लगभग 100 मीटर दूरी पर तालाब बना हुआ है, लेकिन पानी निकलने के लिए कोई भी नाली का प्रबंध नहीं है। बारिश के दिनों में विद्यालय के परिसर में पानी भर जाता है, जिससे कई प्रकार के रोग फैलने का डर सता रहा है। विद्यालय की स्थिति दयनीय हो जाएगी, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ नाली का निर्माण कार्य हो जाए विद्यालय का, जिससे कि विद्यालय का जो पानी है वो यहाँ से निकासी उस पानी की हो सके। इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी से आप लोगों ने शिकायत की है? डीएम साहब से शिकायत कर चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं, और जो जेई साहब हैं उनको उनके भी संज्ञान में, जो इस कार्य को देख रहे हैं उसके संज्ञान में भी इस बात को हम रख चुके हैं। तो उन्होंने जैसे आपने शिकायत की थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अभी कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? मैं बनमुजा प्रांत से आती हूँ, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर होगा। समस्या क्या आ रही है यहाँ पर विद्यालय परिसर के अंदर? यहाँ समस्या आ रही है जो कि बारिश होती है तो सारा पानी विद्यालय के अंदर जाता है। अब जो सड़क बन गई है वो थोड़ी विद्यालय से ऊँची है, इसलिए सारा पानी विद्यालय के अंदर जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यालय के सामने एक नाली बन जाए और विद्यालय का और रोड का पानी सब पोखर या तालाब में चला जाए। रोड है काफ़ी ऊँचे बन रहे हैं तो इससे जो है पानी बाहर नहीं आ पा रहा है बाहर, तो यहाँ सबसे जो बेसिक जो काम है नाली होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नाली हो जाएगी तो जो विद्यालय है, जो मार्केट है, यहाँ का पानी है, बगल में बैंक है, तो यहाँ का जो पानी है नाली के थ्रू बाहर पार कर जाएंगी। मेन समस्या यही है, इसके लिए हम लोग डीएम को भी एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपे थे, उनके तहत कहा गया कि यहाँ की समस्या जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी, पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं।